हे दोस्तों, हम आपकी डिमांड पर अब फिर से एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज का प्लॉट साइज है 27x54 का और जो इस वीडियो का एलिवेशन है वो हमारी वीडियो नंबर 8 से इंस्पायर्ड है। और दोस्तों, जो इस वीडियो की बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आप इसका बेहतरीन प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर स्टूडियोज। तो दोस्तों, आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, आपको एक अच्छा एलिवेशन देखने को मिल जाता है और आपको आगे अच्छा स्पेस भी देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक अच्छी पार्किंग भी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आप एक साइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है जो कि हमने आपके गेस्ट के लिए अलग से बाहर दिया है। तो इसे आगे बढ़ते हुए आप दोस्तों देख सकते हैं, हाउस के एंट्रेंस आपको पार्किंग एरिया से देखने को मिलेगी। इससे आगे बढ़े तो आपको लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया मिल जाता है और आप देख सकते हैं जो हमारे हाउस का लिविंग एरिया है ये आपको को डबल हाइट का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, जो स्टेयर के नीचे का एरिया है, आपको यहाँ पर एक टीवी पैनल के साथ और आप एक साइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक वैनिटी भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, जो इसका ओवरऑल व्यू है वो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, सामने आप ड्राइंग रूम एरिया का ओपनिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और एंट्रेंस लेते ही आप सामने देख सकते हैं, आपको अच्छा सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है और जो हमारे ड्राइंग रूम की बैक वॉल है यहाँ पर आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इससे आगे अगर आप सामने देखें तो सामने आपको एक अच्छा टीवी पैनल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इस ड्राइंग रूम का एक गेट बाहर भी दे सकते हैं जो कि हमने नहीं दिया है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी को पहले प्रेफरेंस दी है। हाँ, तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए आप एंट्रेंस के साथ देख सकते हैं, आपको हाउस का पूजा एरिया मिल जाता है और जो ये पूजा रूम है आप इसको अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पूजा रूम के साइड में देखें तो आपको यहाँ पर हाउस का किचन एरिया मिल जाता है, आप इसका ओपनिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं और आप इसका किचन का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ जो आपकी ये किचन है आपको स्पेशियस मिलेगी जो कि आप इसके 2D लेआउट में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये हाउस का फर्स्ट बेडरूम है, आपको अच्छा बैक वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, साइड में अच्छी वार्डरोब मिल जाती है विद मिरर। तो हमने बेड के सामने यहाँ पर टीवी पैनल नहीं दिया है क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं था। और दोस्तों, इससे आगे बढ़े तो आपका फर्स्ट बेडरूम का एक डोर आपका बैक साइड में OTS एरिया की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक जाल देखने को मिल जाता है और एक साइड में आपको वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाता है।
और दोस्तों हमने हाउस के बैक साइड में भी एक टॉयलेट दिया है जो कि आप फर्स्ट बेडरूम से यूज कर सकते हैं, और यही सेम टॉयलेट आपको सेकंड बेडरूम में अटैच देखने को मिल जाता है। तो आइए चलिए दोस्तों अभी चलते हैं हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। आप इसके सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, तो जो इसका बैकबोल डिज़ाइन भी आपको यहां पर बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपको बेड के सामने अच्छी वार्डरोब देखने को मिल जाती है, और आपको इसी बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम स्टेयर से होते हुए ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ। आप इसका ड्यूप्लेक्स डिज़ाइन देख सकते हैं। आप जब इससे ऊपर अप करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा फील आता है देखने में। आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक शैंडलियर भी देखने को मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। आप इसमें भी आपको अच्छी वार्डरोब देखने को मिल जाती है, आपको एक अच्छा बैकबोल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और सामने एक टीवी यूनिट भी आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो ये वाला बेडरूम है इसके साथ भी आपको एक अटैच टॉयलेट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं हाउस की बालकनी की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने अच्छी ग्रीनरी दी है। आप इसको बालकनी भी बोल सकते हैं, आप इसको बरामदा भी बोल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए आप सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्टोर मिल जाता है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टोर को बेडरूम भी बना सकते हैं। इसका जो साइज है वो आपको नीचे मेंशन हो रहा है, आप देख सकते हैं अच्छा साइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इससे आगे बढ़े तो आपको बैक साइड में अच्छा टेरिस एरिया देखने को मिल जाता है। आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट फ्लोर का एरिया हाफ कवर किया है, आप चाहें तो आप इसको पूरा कवर करके आप इसको 5 से 6 BHK हाउस बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे स्पेशियस, आपको यहाँ पर टेरेस देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की जो स्टेयर है ये हमने बाहर दी है ताकि आपका फालतू में एरिया कवर ना हो। तो स्टेयर से ऊपर चलते हुए आप ऊपर देख सकते हैं आपको ऊपर भी अच्छा टेरिस एरिया मिल जाता है। हाँ तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो अच्छे कॉन्टेंट है हम आपको इसी चैनल पर दिखाते रहेंगे। नमस्कार।